तो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको द पजाल्म ऑफ लाइफ, जो कि एचवी लॉन्ग फेलो जी ने लिखा है, उनकी इस पोयम को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड का है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा का हम पहले मीनिंग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मॉर्नफुल नंबर्स है। ये मॉर्नफुल नंबर्स का मतलब होता है दुख भरी कविताएं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। और एक स्लम्बर है, स्लम्बर का मतलब होता है आराम से सोना, आराम, कंफर्ट। तो चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर जो है पोएट हमें बताना चाहते हैं कि यार मुझे सैड पोएट्रीज मत बताओ लाइफ के बारे में, कि लाइफ एक एम्प्टी है, एम्प्टी ड्रीम है, खाली है, खाली सपना है। पोएट के अकॉर्डिंग लाइफ मीनिंगलेस नहीं है यार, लाइफ खाली नहीं है, लाइफ इम्पिटी नहीं है, लाइफ का कुछ डिफिनाइट गोल है, उसका कुछ लक्ष्य है। वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई बंदा जिसकी सोल, जिसकी आत्मा आराम से सो रही है, वो एकदम डेड के समान है, मरा हुआ समान है। वो जो अपनी लाइफ में हार मान जाता है, गिव अप कर देता है अपनी लाइफ में, एक्चुअली में वो बहुत ही वीक सोल अपने साथ रखा हुआ है, मतलब वो बहुत ही वीक सोल है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यार ज़िंदगी में हर चीज़ आसान नहीं होती, लाइफ इतनी आसान नहीं है। सो हमें जो है एक्टिव रहना चाहिए और सिंसियर रहना चाहिए लाइफ में। ये हमें पोएट कह रहे हैं, ये दो वर्ड कैच कर लो, एक्टिव एंड सिंसियर रहना चाहिए लाइफ में। हमें जो है इन एक्टिविटी के स्टेट से उठना पड़ेगा भाई, मतलब तुम कंफर्ट जोन के अंदर हो, जिसे इन एक्टिविटी बताई गई है यहाँ पर, स्टेट ऑफ इन एक्टिविटी, मतलब कंफर्ट जोन में हो, तुम्हें उससे उठना पड़ेगा ताकि तुम अपनी ड्रीम्स को, अपने डेफिनेट पर्पस को, अपने गोल्स को तुम फुलफिल कर सको। अब दोस्तों, सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर पोइट जो है बताते हैं गोल क्या है लाइफ की। वो कहते हैं यार कि लाइफ रियल है, लाइफ सीरियस है। देखो यहाँ पर अर्नेस्ट लिखा हुआ है, अर्नेस्ट का मतलब सीरियस होता है, ठीक। अब देखो सीरियस का मतलब गंभीर, और वो हमें बताते हैं कि लाइफ का एम ये नहीं है कि भाई तुम खुश रहो और खुश रहते रहते उसके बाद भाई डेथ तक का वेट करो, डेथ तक खुश रहो। नहीं यार, हम सब तो जन्म लिए हैं, मरना तो है ही, ऑल ऑफ अस आर बॉर्न टू डाई। सो वो कहते हैं कि हमें हर क्षण, एवरी मोमेंट हमें सीरियसली तरीके से जीना चाहिए ताकि हम अचीव कर सकें कुछ, अपनी जो टारगेट है, जो गोल है, उसे हम अचीव कर सकें। वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि आप, मतलब हम जो इंसान हैं, हम तो डस्ट यानी कि सॉइल से तो बने ही हैं, और उसके बाद भी हमें सॉइल में ही मिल जाना है। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है डस्ट दो आर्ट, मतलब हम तो सॉइल से बने हैं और हमें टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मतलब हमें डस्ट में रिटर्न हो जाना है, उसी में हमें फिर वापस मिल जाना है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये सभी चीज़ें सिर्फ सिर्फ बॉडी के लिए हैं, सोल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सोल कभी मरता नहीं है, सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये इमॉर्टल होती है। अब दोस्तों हम तीसरे स्टेंजा में बढ़ते हैं। तीसरे स्टेंजा में क्या बताया, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इंजॉयमेंट और सौरव जो है ये एम नहीं है लाइफ का, जो कि पहले से ही निर्धारित है। हमें जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अपना समय जो है सौरव दुख में, पीड़ा में भी नहीं गुजार देनी है। तो क्या करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है लाइफ में कि हमें एक्टिव रहना है, जो कि हमारे फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेटर बना देगा, और भी ज़्यादा अच्छा बना देगा हमारे आज से। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है डेस्टिन्ड, तीसरे स्टेज में। डेस्टाइन का मतलब होता है दोस्तों कि पहले से ही प्री डिसाइडेड मतलब कि पहले से तय है। और यहाँ पर एंड और वे है, एंड और वे का मतलब है कि निर्धारित लक्ष्य क्या है हमारी लाइफ का, एम क्या है हमारी लाइफ का। अब दोस्तों चौथे स्टेंजा में बढ़ते हैं। चौथे स्टेंजा में जो पोएट है वो कहते हैं कि नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और ये बहुत लंबा टाइम लेगा यार सीखने के लिए, लेकिन जो टाइम है वो बहुत ही तेज़ी से निकल रहा है, आगे भाग रहा है। सो और वो कह रहे हैं कि हमारे पास एंडलेस गोल्स हैं जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। आप भी अपनी लाइफ में एक गोल अचीव करोगे, दूसरा गोल आ जाएगा, उसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एंडलेस, मतलब अनंत, खत्म ही नहीं हो रहा, एंडलेस गोल्स हैं जिसे हमें अचीव करना है। हालांकि हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रांग है, हम इतने इनफ ब्रेव हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा जो हार्ट बीट है वो ऐसा साउंड देता है, वीक साउंड देता है, मानो जैसे एक ऐसा ड्रम कि आवाज़ से वो मैच करता हो जिसके ऊपर कपड़े लगा दिए हों। कपड़े लगाकर ड्रम बजाओ तो बहुत ही वीक साउंड निकलता है, हमारा हार्ट भी वैसा ही वीक साउंड देता है। मफल्ड ड्रम का यही मतलब होता है, कपड़े लगा दो उसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, तो उसे बोलेंगे मफल्ड ड्रम।
आगे कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं और हम जो है अपनी जिंदगी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ जो है शॉर्ट है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ अचीव करना है। वी हैव अ लॉट टू अचीव। आगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवे स्टेंजा में। उससे पहले मैं बता दूं यार कि चौथे स्टेंजा में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग, तो देखो यार, फनरल का मतलब होता है, आप भी जानते हो, क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, और जो स्टॉट होता है, स्टॉट का मतलब है यहाँ पर मजबूत, और फ्लीटिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बीतना, जैसे टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अब पाँचवें स्टेंजा की बात करते हैं। पाँचवें स्टेंजा में दोस्तों यहाँ पर पोइट जो है हमें एडवाइस करते हैं कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए इस वर्ल्ड में। यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को एक बैटलफील्ड के साथ, रणभूमि के साथ, जहाँ पर हमारी जो जिंदगियाँ हैं वो टेम्प्ररी कैंप है उस फील्ड पर। अब ये टेम्प्ररी कैंप वर्ड को जरा ध्यान से सुनना। विवेक ऑफ लाइफ जो वर्ड है फिफ्थ स्टेंजा में, इसका मीनिंग होता है टेम्प्ररी कैंप, ठीक है, टेम्प्ररी कैंपिंग ग्राउंड, यानी कि हमारी जो जिंदगियाँ हैं वो टेम्प्ररी कैंप है इस फील्ड में। लाइफ बहुत ही शॉर्ट है और वो बहुत ही जल्द शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाएगा। हमें जो है, जो हमारी लाइफ है वो एकदम स्ट्रगल से और प्रॉब्लम, समस्याओं से भरी पड़ी है, और लोगों को ज़रूरत है कि वो फाइट करें, वो जिए इस बैटल में, इस छोटे से टाइम के बीच में जब तक वो जीवित हैं। और बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम डम्ब कैटल की तरह नहीं है जिनको कोई और चराता है, जैसे भैंस बकरी को देख लो, कोई और चराता है, उन्हें गाइड करता है कि भाई इधर से चलो उधर से चलो। हम वो डम्ब कैटल नहीं है जिन्हें कोई और गाइड करता है। हमारे खुद के भी समझ है, वी हैव आवर ओन सेंस, हमारी भी समझ है। सो हमें जो है ब्रेव हीरोज़ की तरह एक्ट करना चाहिए डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पर, हार्डशिप के टाइम पर, जब हमारी ज़िंदगियां बहुत ही हार्ड होती हैं, जब बहुत ही दुखद घड़ी होती है लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उस वक्त हमें ब्रेव हीरोज़ की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि डम्ब कैटल्स की तरह। यहाँ पर दोस्तों स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, डिफ़िकल्टीज़, स्ट्रगल। अब बढ़ते हैं छठे स्टेंजा में। दोस्तों यहाँ पर जो है पोएट हमें बताते हैं कि हमें जो है प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, भले ही वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा हो, लेकिन हमें फ्यूचर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसी तरीके वो कह रहे हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट आवर पास्ट। क्यों? क्योंकि वो तो अब पास हो चुका है ना, अब वो तो बीत चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें उसे ख़त्म ही करना चाहिए मेमोरीज़ के तौर पर। तो यहाँ पर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमें जो है प्रेजेंट में काम करना चाहिए जो कि हमारे हाथ में है, और उससे हम अपने आज को सुधार सकते हैं। और इसके लिए वो हमें कहते हैं कि हमें भगवान में भरोसा रखना होगा, हमें भगवान में फेथ रखना होगा, जो कि हम सबसे कहीं ऊपर है और वो हम सबके अंदर भी हैं। हमें हार्डवर्क करना होगा प्रेजेंट में, और हाँ, अपने दिमाग और अपने हार्ट पर भी भरोसा रखना होगा, और भगवान पर भी। दोस्तों यहाँ पर छठे स्टेंजा में ओवरहेड है। ओवरहेड जो कि लास्ट लाइन है, ध्यान से देखो, गॉड ओवरहेड, इसका अर्थ होता है गॉड जो है हमारे ऊपर है, सिर के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर नहीं है, मतलब हम सबसे कहीं ऊपर है। अब सातवें स्टेंजा की बात करते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो ग्रेट मैंस हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इनका इतिहास देखिए, तो इन्होंने क्या किया है, एक ये जो समय का रेत जो है, समय की रेत पर एक छाप छोड़ गए, एक फुटप्रिंट छोड़ गए जो कि मिट नहीं सकता है। वही चीज़ पोएट कह रहे हैं कि जो ग्रेट मैंस हैं, ग्रेट महान जो लोग हैं जिन्हें हम याद करते हैं उनके ग्रेट डीड्स के लिए, डीड्स मतलब जो उन्होंने काम कर रखे हैं, जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक उन्हीं ग्रेट मैंस की तरह हमें भी जो है अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने हैं समय के रेत पर हमारे डेथ के बाद, ताकि लोग हमें भी देखकर अपने आप को इंस्पायर कर सके। अब ये कैसे होगा, तो हमें ग्रेट वर्क करना होगा जिससे समय की बालू पर, रेत पर हमारा भी एक फुटप्रिंट पड़ सके और उसे देखकर लोग भी इंस्पायर हो सकें, जैसे हम जो है उन ग्रेट लोगों के फुटप्रिंट्स को देखकर इंस्पायर होते हैं और आगे और भी हायर गोल्स को हम अचीव कर पा रहे हैं। उसी तरीके हमारे भी फुटप्रिंट्स को देखकर और भी लोग अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों डिपार्टिंग का मतलब है आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद, और सब लाइन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का।
अब दोस्तों आगे आठवें स्टंजा में पोइट हमसे कहते हैं कि वो हमें इंकरेज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो भी नोबल टास्क होगा वो दूसरों को इंस्पायर करेगा, इंकरेज करेगा। अनहैप्पी, हेल्पलेस, डिप्रेस्ड लोगों को अपने जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा इस जीवन रूपी ओशन में, ताकि वो सीरियस तरीके से आगे बढ़ सके। उनको एक रीइंकरेजमेंट मिलेगा हमारे फुटप्रिंट से, हमारे ग्रेट वर्क के फुटप्रिंट से। जो आप ग्रेट वर्क करोगे वो समय के रेत पर छाप छोड़ जाएगा, जिसे लोग देखकर अपने आप को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, रीइंकरेज करेंगे। कौन करेगा? अनहैप्पी, हेल्पलेस, डिप्रेस्ड लोग करेंगे। यहाँ पर सेलिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, और फॉरलोन का मतलब होता है अनहैप्पी, लोनली, निराश लोग होते हैं। शिप विकर्ड का मतलब होता है दोस्तों जिंदगी का बिखड़ जाना। यहाँ पर जो अर्थ, यहाँ पर जिंदगी का बिखर जाना है बेसिकली, यहाँ पर मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द शिप, लेकिन यहाँ पर जिंदगी का बिखर जाना अर्थ है। जिन लोगों की जिंदगी बिखर जाती हैं वो हम लोग को देखकर फिर आगे बढ़ेंगे हमारे फुटप्रिंट्स को। अब दोस्तों लास्ट स्टंजा है स्टंजा 9। यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए कि हम हार्ड वर्क करें और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब कि दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मुझे अब ये काम करना ही है, अचीव करना ही है। अगर हम ये दो चीज़ कर लेते तो हम अचीव कर लेंगे। हमें जो है करेजियस होना चाहिए कि हम जो है आने वाली सभी समस्याओं को फेस कर सकें जो भी हमारी लाइफ में आएंगी। लेकिन हमें जो है फल की चिंता नहीं करनी है, हमारे हार्ड वर्क का फल हमें मिलेगा, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है। हमें वर्क लगातार करते रहना है, और हाँ लर्न भी करना है। क्या लर्न करना है? पेशेंस, यानी कि हमें वेट करना, पेशेंस रखना, ये सभी चीज़ें हमें सीखनी है ताकि हम फ्रूटफुल रिजल्ट यानी अच्छा फल पा सकें, फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकें, परिणाम मिल सके हमें। दोस्तों परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना, विद अ हार्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ। तो ये था दोस्तों हमारा पोयम। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। आखिर में सेंट्रल आइडिया क्या है द पजाल्म ऑफ लाइफ पोयम का? तो ये जो पोयम है ये बहुत ज़्यादा हाईली इंस्पिरेशनल पोयम है। यहाँ पर जो पोएट है वो बताते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है। लाइफ एक ड्रीम नहीं है, लाइफ जो है इसमें जो है डिफिनाइट गोल्स हैं, एम्स हैं, जिसे हमें अचीव करना चाहिए। लाइफ में जो है इन्जॉयमेंट एंड सोरो नहीं है, लाइफ का मतलब सोरो इन्जॉयमेंट नहीं है। लाइफ एक बैटल है, एक बैटल फील्ड है, रणभूमि है, जिसमें हमें स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज को पार करना है। यानी हमारी लाइफ जो है फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज है। हमारा मेन ड्यूटी होना चाहिए भाई कि हम जो है हार्ड वर्क करें और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ काम करें और फल की चिंता ना करें। हमें जो है बहुत सारे फेस प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, तो हमें उन सभी प्रॉब्लम्स को करेज के साथ, करेज मतलब साहस के साथ, हमें उन सभी चीज़ों को फेस करना होगा, उन सभी चीज़ों से फाइट करना होगा, लड़ना होगा, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। लाइफ बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों, उसलिए वो कहते हैं कि हमें जो है सिंसियर होना चाहिए, और इस तरीके से हम जो है अपने हार्ड वर्क के थ्रू गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पोयम द पजाल्म ऑफ लाइफ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गया तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट करना, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। और अगर नए हो यार चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, आगे भी हम मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।